जनता बोलेगी सुनेंगे सब बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अमरीक सिंह बोल रहा हूं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि देश में कितना मतलब अभी पीछे पाकिस्तान के पुलवामा अटैक में काफ़ी लोग हमारे आहत हुए और सैनिक हमारे 40-42 सैनिक मरे हैं, तो जो पाकिस्तान को जवाब दिया है तो मोदी से अच्छा कोई दे नहीं सकता था। मोदी ही इस बार आएगा और ये हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं। अब मोदी जी और भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अभी 8 मार्च में इंटरनेशनल ये हवाई अड्डा जो है हिंडन एयरपोर्ट उसका उद्घाटन करने वाले हैं और आपका ये दिलसाद गार्डन से नया बस अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं और एक रैपिड मेरठ दिल्ली टू मेरठ का है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो इतने कम समय में इतने बड़े बड़े काम करना हर एक बस की बात नहीं है। कांग्रेस भी कम से कम 60-70 साल से थी, उसने कुछ भी नहीं किया अब तक। मोदी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी अभी आए। एक चांस मोदी को और मिलना चाहिए, एक और मिलना चाहिए और अभी तो काम करना और उन्होंने स्टार्ट किया है जो काम दिख रहा है और अभी उनको और टाइम देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया जाता है, कहते हैं गरीब तबके को लेके नहीं चली है, क्या कहना चाहिए? जी, गरीब तबकों की सरकार है। अच्छा जी, गरीबों के लिए इतना काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। अच्छा, मोदी ने कहीं कहीं सिलेंडर दिया, सब्सिडी दिया, लोगों को रोजगार का बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार भी जनरेट हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो जनरेट हुए हैं पहले से, अब बहुत रोजगार जनरेट हुए हैं, मगर वो ये है कि लोग बताना नहीं चाहते। अभी और एक बार आएंगे तो लोगों को दिखेगा कि रोजगार दिए हैं। अच्छा, विपक्ष कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है और विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि पुलवामा हमले के तर्ज पे बीजेपी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक बात कहूंगा, अली बाबा 40 चोर, मोदी अली है, बाकी चोर है 40 चोर है, बाकी 40 चोर है। तो वो तो अपनी सत्ता बचाने के लिए ये आरोप लगाएंगे मोदी पर, ठीक है ना, और वो हर टाइम सबूत मांगते हैं, तो सबूत तो खुद देख लो, पाकिस्तान कैसा घबरा रहा है। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ना घबराता तो शायद हमारा जो सैनिक अभिनंदन इसको ना छोड़ पाता वो। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी और बाकी देश है, चाहे चीन है, फ्रांस है, रूस है, सऊदी अरब है, सब भारत का सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी की उन्होंने पावर देख ली है, कहीं ना कहीं मोदी में कुछ बात है, तभी सब लोग हमारे साथ आज खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा आज, पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान की हालत खराब है। तो कहीं ना कहीं कहना यह चाहती है जनता कि पुलवामा पे जो हमला किया है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार और हमारी वायुसेना की एक कूटनीतिक जीत है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन रोहित कौशिक के साथ सार्थक बंसल, बोल इंडिया बोल।